मेरा नाम है योगेंद्र और मैं एक लैपटॉप टेक्नीशियन हूँ। आप हमें लैपटॉप रिपेयरिंग और सेकंड हैंड लैपटॉप परचेजिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8800838686। आज हम फिर आपके पास एक न्यू केस स्टडी लेके आए हुए हैं डेल 3521 का। वो हम आपको दिखाएंगे कि इसमें किस तरह का इशू आ रहा है। एक्चुअली इसमें जो प्रॉब्लम हमारी आ रही है वो है नो डिस्प्ले की, और हम जैसे ही लैपटॉप को ऑन कर रहे हैं उस टाइम ये बीप दे रहा है कंटिन्यू, तो अनकाउंटेबल बीप दे रहा है। तो वो हम आपको रिजोल्व करके दिखाएंगे कि अगर डेल में किसी भी लैपटॉप में अगर इस तरह की प्रॉब्लम आए पर्टिकुलर, तो आप किस तरह उसको रिजोल्व करोगे। तो एक बार मैं आइए मैं आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ क्या है इसमें। तो ये हमारी डीसी मशीन है और हमने लगा दिया है, और लगाते इसका लोड 21968 समथिंग करके जा रहा है। बट इसको एक बार मैं रिमूव करता हूँ और इसकी बैटरी भी रिमूव कर देता हूँ, और देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन बन रही है। अभी भी इसकी सेम सिचुएशन है, बट मैं ऑन करता हूँ। तो ऑन करने के बाद ये 58 समथिंग जा रहा है ये, बट अभी भी इसमें बीप की प्रॉब्लम आ रही है। आप देख सकते हो, आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो, आई थिंक आपको सुनाई दे रहा होगा। तो कोई नहीं, एक बार मैं इसको ऑफ करता हूँ और इसका लोड एम्पेयर देखता हूँ क्या ले रहा है अभी। इसका एम्पेयर 10 तक ठीक है, बट ये हम जब प्लग आउट करके दोबारा लगा रहे हैं तो ये चीज़ हमें दिखा रहा है। हालांकि इसका लोड इतना प्रॉपर नहीं होना चाहिए, हालांकि इसका लोड 0.8 समथिंग होना चाहिए। खैर कोई नहीं, तो इसको रिजोल्व करने के लिए सबसे पहले तो मुझे लैपटॉप खोलना पड़ेगा, और तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी सारा टाइम लगेगा इसमें। जैसा कि मैंने इस बोर्ड को ओपन कर लिया है और इसी कंडीशन हम ओपन में चेक करेंगे फिर, और देखते हैं अब क्या सिचुएशन है इसकी। और इसका लोड है अभी भी 0.088 करके है, और इसको हम ट्रिगर कर रहे हैं, बट इसका लोड अभी एज अ सेम है। तो एक बार हम इसकी सारी सप्लाई वगैरह चेक करेंगे कि कौन सी सप्लाई मिसिंग है, कौन सी अवेलेबल है। तो इसके लिए मैं मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज पर रख देता हूँ, और सबसे पहले मैं इसका चेक करता हूँ इसकी जो है सप्लाई वगैरह की क्या बन रही है क्या नहीं बन रही। जैसे कि मैं देख रहा हूँ 3.5, जाहिर सी बात है जब बोर्ड ऑन होगा तो 3.5 बनेगी। और ये इसकी पीसीएस सप्लाई है, ये भी बन रही है, और ये इसकी रैम सप्लाई है। और हम चेक करें तो 1.5 वोल्ट ये भी ठीक है, और हम अगर बात करें तो कोर सप्लाई भी बन रही है, और ठीक है कोर सप्लाई बन रही है। और दूसरी चीज़, हम इसका सप्लाई सारी बन रही है, इट मीन्स अब हमें इसका कन्वर्जन चेक करना चाहिए एक बार कि क्या कन्वर्जन सप्लाई बन रही नहीं बन रही। तो ये 5 वोल्ट कन्वर्जन है, देखते हैं 5 वोल्ट कन्वर्जन बन रहा है, 3 वोल्ट। और ये कन्वर्जन हमारा है, ये भी बन रहा है। इसकी हम बात करें 1 पॉइंट, तो ये भी कन्वर्जन हमारा बन रहा है। तो इसका मतलब बोर्ड की कंडीशन ठीक है। तो अब सारा कन्वर्जन हमारा बन रहा है, और बोर्ड की जो कॉइल्स हैं इन पे इस भी जो हमारी सारी सप्लाई बन रही हैं। तो इट मीन्स एक बार हमें इसका बायोस करके देखना चाहिए, मे बी इसको जो है प्रॉपर सिग्नल बायोस के द्वारा रिलीज नहीं हो पा रहा हूँ, जिससे हमारा क्या बोलते हैं PCH और आयो के बीच में कम्युनिकेशन हो सके। तो आई थिंक वो लाइन फेलियर है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए एक बार हम बायोस करेंगे, और इसको मैं करता हूँ बंद। और एक बार ये हमारा लैपटॉप है, तो एक बार मैं इसका बायोस देख लेता हूँ कहाँ है।
नंबर मैं अपने लैपटॉप में इसको पहले तो आई थिंक हमें बायोस प्रोग्राम करना पड़ेगा इस वाली आईसी को। एक्चुअली इसमें दो बायोस है, एक मेन बायोस है एक सपोर्टिंग बायोस, मतलब एक ईसी बायोस है एक मेन बायोस जिसको हम बोलते हैं। तो एक बार मैं देखता हूँ कि क्या मेरे पास बायोस अवेलेबल है या नहीं है, अगर अवेलेबल है तो ठीक, अदरवाइज हम फिर डाउनलोड करेंगे। तो इसका पार्ट नंबर हम डालेंगे सिस्टम हमारा काफ़ी स्लो है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है, तो कोई नहीं। जैसा कि ये हमें इसकी बायोस की फाइलें वगैरह मिल चुकी हैं, और अगर हम बात करें तो ये आप देख पा रहे होंगे इसमें तीन बायोस दिखा रहा है, एक 2 MB की, एक 4 MB की, एक 128 KB की। तो इनमें से हम 4 MB की बायोस करेंगे और वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये है हमारा प्रोग्रामर RT809H करके है। तो मैं एक बार इसमें आपको साथ के साथ प्रोग्राम करके भी दिखाऊंगा। और ये हमारी डीसी मशीन, सॉरी हॉट गन है, इसको हमने ऑन कर लिया। और इसको मैं रिमूव करता हूँ, देखता हूँ। इसको मैं इसमें लगाता हूँ, और इसको मैं तरीके से लगा के सेट करता हूँ पिन नंबर के साइड अपने। ये हमारा एक है पिन नंबर। मिला भाई, मिला ये पिन बैठाना आपको आना चाहिए तरीके से, क्योंकि पिन अगर प्रॉपर नहीं बैठेगी तो रीड नहीं कर पाएगा और बार बार जो है इसमें आपको एरर देगा। पर मैं अपना सॉफ्टवेयर ऑन करता हूँ प्रोग्रामर का। महबूब भाई तैयार है ना? माफ कीजिए, गले में खास सी लग रही है जिसके वजह से आपको भी डिस्टर्ब आ रहा होगा। कनन
इसको हम स्मार्ट आइडेंटिफाई पे करते हैं और रीड पे करते हैं। फाइल हमारी रीड हो रही है और ये रीड हो चुकी है, तो अब सेव के लिए बोलेगा, तो हमें सेव भी करना है और इसको हम सेव करेंगे डेस्कटॉप पे। का एक फोल्डर दिख रहा है, इसी में हम सेव कर देते हैं इसको। सॉरी, इसको लिख देते हैं ओल्ड टू करके, ओल्ड टू। इसको करते हैं ओपन। डेस्कटॉप ये वाली करते हैं 4 MB वाली। और इसको हम कर लेते हैं राइट। और फाइल हमारी अब राइट हो रही है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या बायस हमारी जो है प्रॉपर राइट हुई या नहीं हुई है। बस हमारी राइट हो चुकी है और मैं इसको अब लगा के देखता हूँ कि क्या आप कंडीशन है इसकी। बस हमने लगा दिया है और अब हम इसको चेक करेंगे। एक बार जरा इसमें हम स्पीकर लगा के देखते हैं। स्पीकर देना
जो है हमारा सिंगल बीप तो ख़त्म हो चुका है, बट इसमें 5 बीप का एरर दे रहा है। काउंट करते हैं 5 बीप्स। तो एक बार मैं इसका सिग्नल भी चेक कर लेता हूँ। आई थिंक इसका RTC सेक्शन फेलियर का दिखा रहा है। तो एक बार मैं देखता हूँ कि क्या है इसकी कंडीशन। तो आई थिंक ये लो है, तो मैं इसमें सिमोस लगा देता हूँ। हाँ भाई, सिमोस है ना, अभी मैंने ये दूसरी सिमोस बैटरी लगाई इसमें, और अब मैं इसका लोड चेक करूँगा। जो 5 बीप आ रहा था वो अभी भी अवेलेबल है या नहीं। इसमें अब 3 बीप्स का एरर दे रहा है, 4 बीप का एरर दे रहा है। तो एक बार मैं ज़रा रैम भी चेंज करके देखता हूँ। आई थिंक अब इसकी रैम चेंज करनी चाहिए हमें। फोर बीप अभी भी अवेलेबल है। तो बेबी इसमें 4 बीप अवेलेबल है। तो एक बार मैं देखता हूँ कि किस टाइप के 4 बीप में शो कर रहा है। मेमोरी रीड राइट फेलियर, 4 बीप्स का इशूज दिखा रहा है। आई थिंक हमें दूसरी मेमोरी लगा के देखनी चाहिए। इसका है तो मेरे पास एक ऑलरेडी पड़ी हुई है, इसको लगा लेता हूँ मैं। आई थिंक लोड तो सही ले रहा है। आई थिंक अपना काम शुड बी हो जाना चाहिए। आई थिंक हो गया है। तो एक बार मैं डिस्प्ले लगा के देखता हूँ। तो एक बार मैं इसमें डिस्प्ले लगा लेता हूँ, और मैं इसको ऑन करता हूँ। आप देख सकते हो, आई थिंक डिस्प्ले
डिस्प्ले इसमें हमारा आ चुका है, बट इसकी स्क्रीन भी में भी मुझे ख़राब लग रही है, तो वो हमें स्क्रीन चेंज करके देखना पड़ेगा। तो खैर कोई नहीं, इसकी स्क्रीन ही ख़राब है मुझे तो लग रहा है। हालांकि मेरा डिस्प्ले आ चुका है, अगर मैं कीबोर्ड में दिखाऊँ आपको तो एक्सटर्नल कीबोर्ड दिखाना। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि कीबोर्ड की लाइट प्रॉपर ग्लो कर रही है, तो मैं इसको बंद करता हूँ, और वन टाइम में ही बंद होना चाहिए इसको, और ये बंद भी हो रहा है। तो आपने देखा कि हमने इसको किस तरह ट्रबल शूट किया, और कम टाइम में ज़्यादा टाइम भी हमें स्पेंड नहीं करना पड़ा। और तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जैसे कि हमने इसमें सबसे पहले जो काम किया, हमने इसके बायोस का काम किया, बायोस प्रोग्राम किया, तो कंटिन्यू बीपीएस दे रहा था। तो उसके बाद हमने बायोस करने के बाद हमें इसमें 5 बीप्स का एरर जो है 100 मिला। फिर हमने वो चेक किया तो हमें RTC सेक्शन फेलियर लगा, फिर हमने उस पर काम किया, एंड आफ्टर दैट फाइनली हमने पाया कि इसमें रैम सेक्शन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, मतलब रैम को ये रीड नहीं कर पा रहा है। तो उस ब्याज से हमने ये रैम लगी हुई थी, हमने इसको चेंज करके देखा, तो ये रैम ऑलरेडी ख़राब है। फिर मैंने दूसरी रैम लगाई, तो आई थिंक वो रैम नॉर्मल थी तो सपोर्ट नहीं करा, और जबकि इसमें लो वोल्टेज की रैम चाहिए, एल फ्रीक्वेंसी की रैम चाहिए हमें, वो लगाया तो फाइनली हमें जो है डिस्प्ले आउट हो गया। तो आपको इस तरह स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड कीप सपोर्टिंग टू मी। और आप देख पा रहे हो बिल्कुल वन टाइम में ये ऑन हो रहा है, तो ठीक है, कोई नहीं, और ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल आर्किटेक्ट CS।